मित्रों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे इस चैनल पर। मैं हूं दोस्तों आपका मित्र सुनील शास्त्री, और हम जानते हैं आज इस वीडियो के द्वारा कि किस प्रकार से ये तीन ग्रह जो है क्या फल दे सकते हैं, जैसे कि रवि, मंगल और गुरु। ये तीनों ही जब एयुत हो करके, युति बना करके जब बैठ जाते हैं हमारी हॉरोस्कोप में किसी भी हाउस में दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत शुभ या अशुभ फल क्या देते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो इससे पहले अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक मिल सके सबसे पहले। सो दोस्तों करते हैं इस पर बात। हमारे प्यारे मित्रों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रवि, मंगल और गुरु। ये तीनों ही ग्रह जब युति बना करके एक साथ दोस्तों बैठ जाते हैं हमारे कुंडली के किसी भी हाउस में, तो यहाँ पर योग बना करके और युति बना करके ये जो मनुष्य को फल देते हैं वो किस प्रकार से, इसी को हम जानना चाहते हैं और इस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए शास्त्र, इस ज्योतिष शास्त्र इसके लिए क्या कहता है इस पर हम बात करते हैं। ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि रवि, मंगल और गुरु के योग से जीव सूर्य कुजे योगे प्रचंडा सत्या भाषण राजमंत्री नरश्चापे सुवाक्यो निपुणो भवे। दोस्तों शास्त्र यहाँ पर इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही प्रचंड बुद्धि के होते हैं। इनका माइंड जो है बहुत प्रचंड है, बहुत शार्पनेस इनके माइंड में होती है। अपनी बुद्धिमता से ये बहुत सारे कार्य जो है बनाते हैं, अपने भी और दूसरों के भी। वहीं दोस्तों ये स्वभाव से भी प्रचंड होते हैं। यदि किसी पर क्रोध आ गया, किसी की गलती देख ली, या पर वहाँ पर जो ये अति क्रोधी हो जाते हैं, प्रचंड हो जाते हैं। लेकिन क्रोधी होने के साथ साथ में दोस्तों ऐसे लोग जो हैं बहुत सत्य वक्ता होते हैं, झूठ का कभी सहारा नहीं लेते, सत्य ही बोलते हैं चाहे उससे कितना भी हमें नुकसान क्यों ना हो जाए। ऐसे व्यक्ति राजमंत्री भी होते हैं, यानी कि कोई अच्छे पद पर आसीन हो सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्रों में, पॉलिटिकल करियर में, या पॉलिटिशियन अच्छे हो सकते हैं। बहुत ही मधुर वाणी वाले भी होते हैं, जब इनको क्रोध नहीं होता तब ये बहुत ही प्यार से और अच्छी तरीके से बात करते हैं और बहुत सुंदर तरीके से इनका वक्तव्य होता है। कार्य में कुशलता इनकी होती है दोस्तों, जो भी कार्य ये करते हैं उसको सत्यता के साथ में और पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, पूर्ण ही करते हैं। और जो भी कार्य इनको सौंपा गया, जो भी जिस भी प्रकार का कोई असाइनमेंट है उसे ये पूर्ण करने में कुशल होते हैं, और इसी से इन्हीं गुणों से ये लोगों को प्रसन्न करते हैं। अपने जीवन में धन धान्य ऐश्वर्य मान पद प्रतिष्ठा की कमी नहीं होती है। सो दोस्तों ये था शॉर्ट में फल रवि, चंद्रमा और गुरु का। आप अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो नंबर की हमारा इंट्रो में दिया होता है स्टार्टिंग में या लास्ट में। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।